The free press, keeping press free and journalism clean. लोकसभा चुनाव सर पर हैं, सभी दल पूरी तरह से तैयारियां करके मैदान में उतर रहे हैं। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के ऊपर हैं कि यहां पर परिणाम क्या होंगे। एक तरफ गठबंधन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस अलग है। कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों में नैरेटिव एक सेट किया गया है जो शायद 2014 में वो पार्टी नहीं कर पाई थी। इस नैरेटिव और गठबंधन से थोड़ा सा दूर रहकर कांग्रेस क्या कर पाएगी उत्तर प्रदेश में और क्या नतीजे होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जीशान हैदर साहब से। जीशान साहब, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप गठबंधन के साथ हैं या उससे अलग हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। हमें लगता है कि गठबंधन के साथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के, क्योंकि सब जगह अपने कैंडिडेट उतर रहे हैं और सारी सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं। हाँ, कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनके लिए हम सीटें छोड़ रहे हैं या जिनके साथ हम गठबंधन में आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रही है और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा उससे। नहीं नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है हमें लगता है चंद्र साहब, क्योंकि आपको याद होगा 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें ले जाने वाली पार्टी थी। 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें जिस तरह से मोदी जी ने झूठ और जुमलों की राजनीति की थी, हमें लगता है कहीं ना कहीं जनता उनके उन वादों में आ गई थी और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि वोटों का बिखराव, हमें नहीं लगता है कि वोटों का कोई बिखराव होने वाला है। सबको पता है विजन, सबको पता है, सबको मालूम है कि देश में अगर मोदी जी से इस वक्त कोई पार्टी लड़ रही है, कोई नेता लड़ रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो राहुल गांधी जी हैं, वो प्रियंका गांधी जी हैं। तो हमें लगता है आने वाले चुनाव में आपको वो देखने को भी मिलेगा। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार या कैंडिडेट नहीं घोषित कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, राहुल जी ने इस चीज़ को क्लियर किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कहीं ना कहीं, कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, कौन चेहरा होगा, ये उसके बाद डिसाइड होगा। और राहुल जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैं तैयार हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये सब कुछ डिक्लेयर होगा कि कैसे क्या रिजल्ट आया है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाए। अब आते हैं हम लोग चुनावी एजेंडे के ऊपर। 2014 में बहुत साफ था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से चुनाव को कम्युनल कलर दे रखा था। इस बार राष्ट्रवाद से फिर पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, और योगी जी ने जो सेना को मोदी की सेना कह दिया, ये एक एक पहलू है। और दूसरा पहलू मोदी जी का ये कहना कि राहुल गांधी वहाँ सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए गए हैं, केरल की सीट पर अपने, तो वो भी एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसके विपरीत आपकी पार्टी के ऊपर जो अभी चार्ज लगा है कि वो सेडिशन एक्ट को रिविजिट करना चाहती है, वो आस्था को खत्म करना चाहती है, तो हमारा दोनों दलों के बीच में क्या है ऐसा कि हम कहें कि भाई ध्रुवीकरण भी नहीं है और डेवलपमेंट की बात ज़्यादा हो रही है, विशेषकर कांग्रेस के जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं उससे कितना
फायदा वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा वो, ये जरा सा हमको। देखिए चंद्र जी, मुझे लगता है कि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने दुनिया देखी है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, और आज मोदी जी 26 जनवरी और 15 अगस्त को खड़े होकर सैल्यूट ले रहे होते हैं और कहते हैं कि देश में कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हमें लगता है कहीं ना कहीं देश और जनता जानती है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा कि 2014 के चुनाव में उन्होंने पोलराइज किया था, नहीं, 2014 के चुनाव में उन्होंने और बहुत से वादे किए थे। उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। हमें लगता है बार बार कहते हैं कि 2014 का जो उनको मैनिफेस्टो है, वो अगर 2019 में भी वही सेम मैनिफेस्टो वो लोग उतार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कोई वादा नहीं पूरा किया। देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता चाहती है कि इस देश में अमन शांति रहे, जनता चाहती है उनका पेट भरा रहे, 2 जून की उनको रोटी मिलती रहे और नौकरी अच्छी सी मिल जाए उनको, जिसमें उनका घर चलता रहे। ये सब जिस तरह का प्रोपोगंडा, क्योंकि 4-5 साल में इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, तो अब पिछली बार जो उन्होंने, जो उनके एजेंडे थे, जो उन्होंने जिन चीज़ों पर चुनाव में वोट मांगा था, इस बार वो कोई भी मुद्दा, वो किसी मंच पे आप बताइए, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी बोल रहे हों, कहीं नौकरी की बात कर रहे हों, कहीं काले धन की बात कर रहे हों, कहीं GST की बात कर रहे हों, कहीं वो नोटबंदी की बात कर रहे हों, कहीं डीजल, पेट्रोल, गैस, इस पे बात कर रहे हों, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं 5 साल में। तो वो लोग चाहते हैं, अब आज वो सेना के पीछे छिपके और देश से वोट मांग रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि सेना हमारा गर्व है, सेना के पीछे छिप के अगर वोट मांग रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि मोदी जी ने 5 साल में इस देश में कुछ नहीं किया। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादे किए हैं, आप देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब कहा गया था हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर, हमने 2 दिन में कर्जा माफ कर दिया। मनरेगा की स्कीम हम लेके आए, मनरेगा की स्कीम पे यही मोदी जी खड़े होके कहते थे कि मनरेगा से ज़्यादा फ्लॉप स्कीम कोई नहीं है, और फिर वही मोदी जी जाके जो है संसद में कहते हैं कि उससे इतने लोगों को लाभान्वित हुआ है। हमने 100 दिन का उनको मिनिमम कहा था, अब हमने कहा है अपने मैनिफेस्टो में हम 150 दिन करेंगे। जहां आप जिस जो जो मुद्दे थे, जहां हमें लगता है गरीबों से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, और जिस तरह से बेरोजगारी जो बढ़ी है, राहुल जी ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इतनी फौरन 28 लाख नौकरियां फौरन देंगे, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस माइन्यूटली चीज़ों पर देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, इस देश ने देख लिया है कि जो बात उन्होंने अब तक की है, वो बात उन्होंने कही है, यहाँ जुमले और झूठ की जगह नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह सबसे, आपको याद होगा ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद की के साथ, इन्होंने अब तो नहीं रहे, वो उनकी बेटी हैं, उनके साथ सरकार बनाई थी, और ये वही मोदी जी, और उन्होंने कहा था कि उसको हम हटाएंगे। आज जब कांग्रेस पार्टी कहती है तो उसके ऊपर वो लोग दूसरी बात करते हैं, तो हमें लगता है इनकी बात के कई मायने होते हैं, ये कहाँ पे क्या बोलें, कहाँ पे क्या कहें, ये यही लोग बेहतर से बता सकते हैं। अब ये कहते हैं हिंदू आतंकवाद की बात, मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ, हिंदू आतंकवाद सबसे पहले किसने बोला था इस देश के अंदर, सबसे पहले आर के सिंह जी ने बोले थे, जो उस वक्त सेक्रेटरी तो होम थे, आज वो इनके यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। तो ये देखिए, इन्होंने जो काम नहीं करता है वो इसी तरह की बातें करता है, और वो दिख रहा है जनता को। आज तराहम तराहम बचा हुआ है देश के अंदर, लेकिन योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी कहीं भी ये नहीं बताते कि हमने कितनी नौकरी दी, कहीं ये नहीं बताते हैं कि हमने जो नोटबंदी की थी उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो काले धन की बात की थी वो कितना देश में वापस आया, वो 15 लाख रुपए कहाँ गए। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता बहुत अकलमंद है, बहुत समझदार है, एक बार इनके झांसे में आ गई, हमें नहीं लगता है कि अब इनके झांसे में आने वाली है। एक सवाल और, ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसानों को जो कैश मिलना है 12,000, इस योजना का ग्राउंड लेवल पर आपके अनुमान से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलना है? देखिए, उज्ज्वला योजना की आप बात करते हैं, उज्ज्वला योजना के ये हाल हैं कि एक बार गैस तो ले ली उन्होंने, आप गांव में जाइए, दूसरी बार वो रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं। इतनी महंगी उज्ज्वला योजना, कर तो दी, बातें तो खूब की, बांट तो दिए सिलेंडर, लेकिन दूसरी बार रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं।
सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, कैश वाली, ये देखिए जो कैश उन्होंने देने को कहा है, इन्होंने 6,000 रुपये साल का, हमने 72,000 का वादा किया है अपने किसान भाइयों से, तो हम कहीं ना कहीं, और हम हर चीज़ का प्ररूप बना के चल रहे हैं, हम सिर्फ झूठ और जुमलों की राजनीति नहीं कर रहे कि हम बोले दे रहे हैं, हम करते हैं। आज अगर हमारे उरी में 41 जवान शहीद होते हैं क्योंकि उनको जो है हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता है यहाँ से वहाँ जाने को, उसके ऊपर हम सवाल नहीं उठाते हैं, हम सवाल उसके ऊपर उठना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के चीज़ों को डाइवर्ट करती है, हमें लगता है कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है इनकी बातों से। और हमारे बीच में जो एक हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह का एक हमारा देश है, सब लोग मिल के चलना चाहते हैं, सबके बीच में इख्तलाफात लाना चाहते हैं, हमें नहीं लगता है कि अब इस देश की जनता इनकी इन सब बातों में आने वाली है। एक आखिरी सवाल जी, उत्तर प्रदेश में क्या सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए उत्तर प्रदेश में हमने भारत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के लिए 6-7 सीटें छोड़ी हैं, और कुछ छोटे दल जैसे महान दल हो गया, कृष्णा पटेल जी का अपना दल हो गया, इनके लिए 2-2 सीटें छोड़ी हैं। तो ये 15 सीटें 16 छोटे हमने छोड़ने के बाद जितनी सीटें हैं सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, और हमारे कैंडिडेट अभी आ भी चुके हैं, बाकी जितने होंगे हमें लगता है 2-4 दिन में पूरी लिस्ट हमारी उत्तर प्रदेश की आने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।